ओके, वेलकम टू सिविल टेक। यार सुमन सिंह, देखिए ये पीपीटी पे ये वीडियो में आपको बताएंगे कॉलम डिटेल के बारे में, कॉलम का रेनफोर्समेंट, अपने कॉलम का लेआउट कैसे करते हैं, कॉलम का रेनफोर्समेंट डिटेल बताएंगे, कॉलम कास्टिंग वर्क कैसे हम करते हैं, कास्टिंग कैसे करते हैं, उसके बारे में स्टार्टर क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे, कॉलम में मेन वर्क किसको बोलते हैं, स्टीडियम को कैसे प्रोवाइड करना है, सब डिटेल में आप लोग को हम बताएंगे। ये कॉलम ऑफ रेनफोर्समेंट एंड कास्टिंग सिविल टेक यार सुमन सिंह, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। इसको पहले आप लोग वीडियो देखने से पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के पास कोई भी न्यू वीडियो आए तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले। ये कंटेंट देखिए, सबसे फर्स्ट में हम कॉलम ऑफ लेआउट, कॉलम ऑफ स्टार्टर, कॉलम के लेआउट के बारे में बताएंगे, फिर कॉलम स्टार्टर हम कैसे कास्टिंग करते हैं उसके बारे में बताएंगे, स्टार्टर क्या होता है, कॉलम ऑफ रेनफोर्समेंट कटिंग एंड बेंडिंग वर्क के बारे में बताएंगे, कॉलम ऑफ रेनफोर्समेंट डिटेल के बारे में बताएंगे, कॉलम ऑफ सेटिंग वर्क एंड कास्टिंग वर्क के बारे में बताएंगे, सेटिंग वर्क कैसे करना है, कास्टिंग वर्क कैसे करना है, उसमें कौन सा कंक्रीट ग्रेड ग्रेड के हिसाब से हम कॉलम कास्टिंग करते हैं, या कोई भी स्लैब कास्टिंग हो या कॉलम कास्टिंग हो उसमें ग्रेड के हिसाब से हम कास्टिंग करते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं। उसका देखिए ये कॉलम का लेआउट प्लान है, कॉलम का लेआउट प्लान है या ड्रॉइंग है, इसमें देखिए इसमें ऑल डायमेंशन क्या होता है, एमएम में दिया होता है, इसमें सेंटर सेंटर कॉलम का डिस्टेंस दिया हुआ है। पहले हम कॉलम का लेआउट कर लेंगे, लेआउट करने के लिए हम लाइन डोरी का हेल्प लेते हैं, पहले हम उसका डायग्राम निकाल के उसका लाइन डोरी की हेल्प से कॉलम का लेआउट करेंगे। इसमें 5 टाइप का कॉलम हम यूज करना है, C1, C2, C3, C4, C5। C1 है जो 300x450 का, C2 300x600 का, C3 डाया 300 का, C4 450x600 का, C5 450 डाया का है। देखिए यही है कॉलम का लेआउट ड्रॉइंग प्लान है। ये साइज है, साइज आप लोग को बता ही दिया, C1 350x450, C2 300x600, C3 300, C4 450x600, C5 450 डाया का है। देखिए फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, इसमें कॉलम ऑफ लेआउट एंड स्टार्टर एंड कास्टिंग वर्क, कॉलम ऑफ रेनफोर्समेंट कटिंग एंड बेंडिंग वर्क एंड रेनफोर्समेंट डिटेल, कॉलम ऑफ सेटिंग वर्क एंड कास्टिंग वर्क। देखिए कॉलम ऑफ लेआउट, कॉलम का लेआउट में से लाइन डोरी के हेल्प से करेंगे, लाइन डोरी जो होता है उसके हेल्प से हम कॉलम का लेआउट कर लेंगे, लेआउट करने का उसको मार्किंग कर देंगे, मोटार के हेल्प से हम मार्किंग कर देते हैं, मार्किंग करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम का स्टार्टर हम बनाएंगे, स्टार्टर हम इसलिए बनाते हैं जो सेटिंग करेंगे तो उसमें क्लियर कवर हमको सही ढंग से मिल सके, क्लियर कवर के लिए हम ये स्टार्टर बनाते हैं जो कॉलम एकदम सही हो, क्लियर कवर से सही से मिल सके, इसलिए हम स्टार्टर प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टर यही हमको हेल्प करता है कॉलम में। देखिए कॉलम ऑफ रेनफोर्समेंट डिटेल्स में, कॉलम में जो 3 टाइप का हम स्टीरअप यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप स्टीरअप, सेकेंड स्टीरअप, थर्ड स्टीरअप। देखिए इसमें आपको जूम करके हम दिखा रहे हैं, देखिए इसमें फर्स्ट स्टीरअप हो गया, ये सेकेंड स्टीरअप को पॉकेट रिंग बोलते हैं, उसका थर्ड स्टीरअप को बोलते हैं, ये मेन स्टीरअप हो गया। इसमें 3 टाइप का हम स्टीरअप यूज करते हैं, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो 3 टाइप का ये ड्रॉइंग में हमको बताएंगे, ड्रॉइंग में दिया हुआ है, ड्रॉइंग के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए इसमें 3 टाइप का, इसमें देखिए 4 टाइप का स्टीरअप दिया हुआ है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चार टाइप का स्टेप भी जाए। इसमें देखिए कॉलम का मेन बात के बारे में आप लोग को हम पहले समझा देते हैं। देखिए C1 है जो 450x300x450 का है, इसमें है जो हम 20mm डाया बार हम 14 यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ बार 14 है, जैसे 20mm डाया का स्टीरअप में हम 8mm का स्टीरअप यूज कर रहे हैं, स्टील यूज कर रहे हैं, 125mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, 150mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। C2 में देखिए 300x600 का है, इसमें भी M25 का हम स्टील यूज कर रहे हैं, इसमें भी इसमें 16 स्टील है, नंबर ऑफ बार 16 है, और C4 में नंबर ऑफ बार कितना 24 है, इसमें 25mm का हम स्टील अप यूज कर रहे हैं क्योंकि ये 450x600 का है, और इसमें स्टीरअप का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सब में सेम ही है, 125x150mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है।
अब देखिए इसमें देखिए सी टू में कितना है नंबर ऑफ बार, मेन बार कितना है 14 है, 14 नंबर ऑफ बार है एम 14 है, डाया ऑफ बार कितना 25 mm का डाया का स्टील है, नंबर ऑफ बार 14 है। इसमें देखिए कॉलम ऑफ स्टार्टर, कॉलम का स्टार्टर हम ऐसे ही कास्टिंग करेंगे, 2 इंच उसका थिकनेस होता है, उसका क्लियर कवर सही से मिल सके इसलिए हम स्टार्टर प्रोवाइड करते हैं कॉलम में। कॉलम ऑफ सेटिंग वर्क, ये सेटिंग वर्क देखिए ऐसे ही करते हैं, सेटिंग वर्क करेंगे तो उसमें सेटिंग ऑयल भी हम उसमें यूज करते हैं, सेटिंग ऑयल भी हम उसमें यूज करते हैं, ये भी चीज़ ध्यान में रखना होगा। ये देखिए कॉलम कास्टिंग के बाद हम इसमें क्या होगा, इसमें इसको हम क्यूरिंग भी करना है, क्यूरिंग भी करना है कॉलम को, क्योंकि क्यूरिंग करने से कॉलम का स्ट्रेंथ बढ़ता है। थैंक्स, सिविल टेक यार सुमन सिंह। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के पास कोई भी न्यू वीडियो डाले तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।